तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात आज राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की। तो आज से ब्लॉक स्तर पर भी प्रतियोगिताओं का आगाज हो गया है। चौमू में आयोजित ब्लॉक स्तरीय शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ और सीएम ने कबड्डी का मैच भी देखा। अपने संबोधन में सीएम गहलोत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि चौमू को जल्द ही मेट्रो और बीसलपुर के पानी की सौगात मिलेगी। दिसंबर में शहरी ओलंपिक करवाने की योजना है। मुझे खुशी है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में ब्लॉक स्तर पर शुरुआत करने का मौका मिला है। जाति पाति से ऊपर उठकर खेल खेले जाते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। ग्रामीण ओलंपिक का उद्देश्य गांवों में छिपी प्रतिभाओं को तराशना है। राजस्थान का जो चौमुखी विकास हो रहा है वो ऐतिहासिक है। हम प्रदेश की जनता का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। करीब 30 लाख लोगों ने नाम लिखा है खेलने के लिए। 30 लाख लोगों ने, उसमें 10 लाख महिलाएं थी। हमारी बहनें और बेटे बैठे हैं यहाँ पर। 10 लाख महिलाओं ने खेल खेला है। दादा और पोता एक साथ खेले थे। दादी और पोती भी खेल सकती है। सब परिवार वालों ने भी खेला खेल। पूरे गांव-गांव में माहौल बना। एक ऐसी पहल हुई राजस्थान में, देश में तो कहीं नहीं हुई है मेरे ख्याल से। दुनिया के मुल्कों में भी एक साथ में गांव-गांव में खेल कहीं नहीं हुआ। उसके लिए मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारा प्रयास है कि जो प्रयोग किया गया इसमें हमारे प्रतिभा जो है गांव के अंदर, नवंबर दिसंबर में ऐसे ही प्रोग्राम राजीव गांधी ग्रामीण की जगह राजीव गांधी शहरी ओलंपिक होंगे। सबसे वहाँ के अंदर गांव के अंदर गांव वालों ने भी, हमने 40 करोड़ रुपए संग्रह किए इन खेलों के लिए। तो मेरा दावा है 40 करोड़ से ज़्यादा, चाहे 50 करोड़ कहूँ मैं चाहे 100 करोड़ कहूँ, गांव वालों ने खर्च कर दिए, भम ने खर्च कर दिए। कोई दूध पिला रहा बच्चों को, कोई खाना खिला रहा टीमों को, कोई आने की व्यवस्था कर रहा है। हमारे यहाँ सहयोग करने वालों की एनजीओ की कमी नहीं है, भामाशाह की कमी नहीं है। चौमू तो जयपुर के बिल्कुल पास में हुआ है। आपको याद होगा कि मेरा सपना तो ये है कि जयपुर से चौमू तक भी कभी न कभी मेट्रो रेल आए। गई थी सरकार बदल गई तो सारी स्कीम फेल हो गई हमारी। बाकी बगरू है, चौमू है, जो पास पास चाकसू है, ये ऐसी जगह है आस पास में जहाँ पर मेट्रो चलने तक जाए तो जो सड़कों पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है, एक्सीडेंट होते हैं, कई लोग मारे जाते हैं, उस पर कमी आ सकती है। कांग्रेस सरकार की योजनाएं, चाहे वो पानी की उसी में हो, चाहे बिजली का हो, आज 4,500 मेगावाट से ज़्यादा हवा से बिजली बनी राजस्थान के अंदर, विंड एनर्जी से बन रही है, और 5,000-6,000 से ज़्यादा मेगावाट सूर्य भगवान की कृपा से, सूर्य किरणों से बिजली बन रही है, सोलर बिजली बन रही है। हम लोग बहुत तेज गति आगे बढ़ रहे हैं बिजली के मामले में भी। इसलिए मैंने कहा किसानों के जो कनेक्शन बाकी है सारे कनेक्शन दे दिए जाएंगे 2 साल के अंदर अंदर। ये मैंने घोषणा भी असेंबली में करी, आपको मालूम है। चौमू के लोग समझ सकते हैं कि क्या महत्व है चौमू में कनेक्शन का। सोशल सिक्योरिटी पे हमारी सरकार जो है, ये तमाम बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सोशल सिक्योरिटी बातें हैं। चाहे दवाएं फ्री हो या इलाज फ्री हो, ये सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। विदेशी मुल्कों में तो मिलती है 40 साल से, पैसा मिलता है, कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा वहाँ पर।